मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 3 थर्ड चैप्टर 2 पेड़ की कहानी के बारे में बताएंगे। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं चैप्टर 2 पेड़ की कहानी। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा, वाह, पेड़ हैं धरती की शान, इनसे जीवन और जहान। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज़ घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? रवि खुशी खुशी से कहानी सुनने को तैयार हो गया। सहमति पाकर पेड़ ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मार्च के महीने में रवि बाग में टहलने जाता है। पेड़ों की हरियाली को देखकर रवि खुश हो गया। रवि को प्रसन्न देखकर पेड़ भी खुश हो गया। पेड़ ने रवि से कहा, तुम मेरी कहानी सुनोगे? रवि ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। रवि खुशी खुशी कहानी सुनने को तैयार हो गया। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं। तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल नन्हे बीज थे। फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहाँ अंधकार में पड़े पड़े हम ऊब गए थे। फिर एक हमारे ऊपर वर्षा का पानी गिरा। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में बाहर झांकने लगे। जब हम भूमि के अंदर थे तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप वर्षा सर्दी झेलते हुए हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। अब हम इसका अर्थ आपको बता रहे हैं। पेड़ ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें सुंदर दिख रहा हूँ, किंतु बचपन में मैं नन्हे बीज के रूप में अंधेरे में पड़ा ऊब गया था, किंतु वर्षा की बूंद पाते ही मेरी नींद खुल गई है। पानी के स्पर्श से बीज से छोटे छोटे अंकुर निकल कर आए। जब हम भूमि के अंदर थे उस समय बाहर के दृश्य को देखने के लिए हमारी बहुत इच्छा थी, किंतु आज सभी कठिनाइयों को झेलते हुए मैं विशालकाय एक पेड़ बन गया हूँ। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहे हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन
लोग पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपयों को तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होती है उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो हम लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को भी कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। अब हम देखते हैं कि पेड़ अपनी कहानी में क्या कहता है। पेड़ हमारी अशुद्ध वायु को ग्रहण करते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसों के लालच में पेड़ों को कटवा देते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है। पेड़ों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि पेड़ सूखने के बाद भी मनुष्य के काम में आता है। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों और अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम ना होने दें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल और वायु के लिए भी तरस जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और हर प्रकार से लाभ उठाओ। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा की, मैं हर रविवार एक पौधा लगाऊंगा और नियम पूर्वक सबकी देखभाल करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने पास के किसी बाग में जाओ और पौधे लगाओ। पौधे लगाने व उसकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। अब हम ये देखते हैं कि पेड़ अपनी कहानी में आगे क्या कहता है। अब पेड़ कहता है कि अब हम तुमसे निवेदन करते हैं कि तुम अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कम ना होने दें, क्योंकि हमारे बिना संसार में लोग शुद्ध भोजन, जल और वायु के लिए तरसेंगे। इसके लिए अपने लोगों से को अपने घर के आसपास या बगीचे में अधिक से अधिक पेड़ों को लगाकर उसकी देखभाल करो। इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर और अभ्यास कर आपको पहले दिया जा चुका है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।